नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हमारी पहली खबर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां पर तालिबान के कब्जे ने महिलाओं को 20 साल पहले के डरावने अतीत में ढकेल दिया है। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी रोना विल्सन के पिता की मौत, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 साल पूरे, बिहार बाढ़ का कहर जारी, अब तक करीब 35 लाख प्रभावित। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की, देश में 24 घंटों में 36,401 नए मामले, 530 मरीजों की मौत। अफगानिस्तान पर तालिबान एक बार फिर से कब्जा जमा चुका है। रविवार यानी 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल में दाखिल हुआ तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल होती नजर आई। इसमें एक ब्यूटी पार्लर का मालिक महिलाओं के पोस्टर को रंग से छिपाता दिखाई दिया। जाहिर है तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही देश में महिला अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। भले ही तालिबान इस पर अपने पिछले क्रूर शासन के उलट खुद को अधिक उदार दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वापसी से अफगान महिलाएं अब भी आशंकित हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। उन्हें बुरके और घर की चार दीवारी में बांध देने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के अधिकतर हिस्सों में बहुत सी महिलाएं घर पर ही रह रही हैं। वे एक नई दुनिया में प्रवेश करने से बहुत डरी हुई हैं। काबुल में एक पश्चिमी महिला लेक्चरर ने कहा कि राजधानी में भय का माहौल है। लेक्चरर के मुताबिक उन्होंने घर घर जाकर लोगों को तलाश करना शुरू किया है। वे कह रहे हैं उन्होंने जनता को अकेला छोड़ दिया है, लेकिन यह सच नहीं है। न्यूज क्लिक की पत्रकार सोनिया यादव का यह पूरा लेख आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। कल यानी 18 अगस्त की रात में मानवाधिकार कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी रोना विल्सन के पिता की मृत्यु हो गई है। वो अंतिम समय में पिता के साथ नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने इस दौरान अपनी जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। 50 वर्षीय विल्सन को पुणे पुलिस ने अप्रैल 2018 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। जिस मामले में विल्सन जेल में बंद है उसमें हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को फंसाने की साजिश हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्थित डिजिटल फॉरेंसिक फर्म ने पाया कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही पुलिस द्वारा एक्टिविस्ट रोना विल्सन के एक लैपटॉप में मालवेयर का इस्तेमाल करते हुए भड़काऊ सबूत डाले गए थे। साथ ही हाल फिलहाल में लीक हुए पेगासस के द्वारा जासूसी की लिस्ट में इनका भी फोन नंबर था। रोना विल्सन जून 2018 से जेल में बंद है। इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। उनके पिता अपने अंतिम समय में अपने पुत्र से मिल भी नहीं सके। इस मामले में गिरफ्तार फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में ही मौत हो गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 साल पूरे होने पर इस साल किसानों ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में मजदूर किसान जन संसद का आयोजन किया। हजारों किसानों ने आंदोलन को अपना समर्थन दिखाया। देखिए न्यूज क्लिक की यह खास रिपोर्ट। जल जंगल जमीन पे उसी का अधिकार हो जो वर्षों से उसकी पीढ़ी यहाँ पे रहती हुई आ रही है। हमारा किसान आंदोलन, हम बोला था एक किसान आंदोलन भारत के इतिहास में आजादी का पहले और आजादी का बाद मिला के भारत का इतिहास में सबसे बड़ा एक। दूसरा है ये आंदोलन में 500 किसान संगठन एक साथ मिलकर लड़ रहा है, कोई भी मतभेद नहीं है। 5 संगठन एक साथ चल नहीं सकता, साथ मन बहता हम 500 एक साथ चल रहे, कोई मतभेद नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा एकता बता। तीसरा क्या है, लाखों लोग आंदोलन में है, 80 करोड़ किसान आंदोलन में है, वहां किसान एक पत्ता तक तोड़ा नहीं है, एक शांतिपूर्ण सबसे बड़ा शांतिपूर्ण है। यहाँ पे नर्मदा नदी पे जो बांध बन रहे हैं उनसे यहाँ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, यहाँ के मछुआरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके गांव बस्ती को उजाड़ा गया है। यहाँ पे विस्थापित के नाम पे अभी बहुत काम होना बाकी है। उस आंदोलन को आज 36 साल हो गए, तो उस आंदोलन के 36वीं सालगिरह पे यहाँ पे हम आए। उनकी नेता मेधा पाटेकर ने से पुराने संबंध रहे हैं, वे एक देश की बड़ी आंदोलनकारी है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय भारत मरोला, मैं एक किसान हूँ और सरदार सरोवर बांध से विस्थापित। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम खपरखेड़ा, तहसील कुक्सी, जिला धार, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज आप ये किसान संसद में आए हैं, क्या मामला है? आज जो बड़वानी में किसान जन संसद हो रही है, किसान मजदूर जन संसद, इस पर खास करके आज तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो उसकी वर्षगांठ मनाई है, उसके ऊपर ही किसान मजदूर जन संसद का यहाँ पर शुरुआत करी है। आज बड़वानी में आज किसान मजदूर सभा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? रैली निकाल रहे हैं ये इसलिए हो रही है सभा, बस इतना कह रहे हैं पूरे देश जो है आंदोलन पहले से ही करता है, इस चीज को सीख लेना चाहिए। जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन हो रहा है ना, वो भी ऐसे आंदोलन का हिस्सा, तो हम घबराने वाले नहीं है। 36 साल से ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ से कुछ सीखना आए हैं। यहाँ कितने धुरंधर लोग हैं, मेधा पाटकर जी और हमारे साथ गुरजीत कौर जी है, शहीद आजम भगत सिंह की जो भांजी है, ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना और सीखना आया। और ये मैसेज देना है सरकार को कि जब 36 साल तक हमारे बुजुर्ग आंदोलन कर सकते हैं बिना वायलेंस के, हमारी तरफ से इतना बड़ा आंदोलन रहा है, इसमें भी वायलेंस नहीं है, तो हम दिल्ली जो अब चल रहा है कानून और न्याय वो भी कर सकते हैं। इस आंदोलन से भी पूरे देश ने बहुत चीज सीखने को मिली है। आज उनकी 36 वर्षगांठ पर हम यहाँ पे आए, सब लोग से मिले, उनकी विचारधारा सुनी, उनके जो वर्कर्स थे उनसे मिले, उन महिलाओं से मिले जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ने का काम किया। अगली खबर बिहार से है, जहाँ बाढ़ और बाढ़ की वजह से होती तबाही अभी तक जारी है, जहाँ बाढ़ से अब तक 35 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। मौजूदा समय में बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ से प्रभावित जिलों की सड़कों पर अभी भी घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इसकी वजह है बिहार में लगातार होती बारिश। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि कुछ जगहों पर गंगा का पानी स्तर से नीचे आता दिख रहा है, मगर इंडिया के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुमान मुताबिक पानी का स्तर नीचे जाने के आसार आने वाले दिनों में काफी कम है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बाढ़ के कारण अब तक लाखों लोग अपने गांव घर से विस्थापन को मजबूर हुए हैं और उन्हें हाईवे, सरकारी दफ्तरों जैसी जगहों पर आसरा लेना पड़ रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 19 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 36,401 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से आज 6 दिन बाद 500 से ज्यादा यानी 530 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 39,157 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 3,286 मामले कम हुए हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,23,22,258 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,33,049 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.53% यानी 3,15,25,080 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.13% यानी 3,64,129 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजी जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 56,64,88,433 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 56,36,336 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। Facebook, Twitter और Instagram पे हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।